नमस्कार, आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज की रेसिपी है सोयाबीन पनीर की मसालेदार सब्ज़ी, जो खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होती है। आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए शिमला मिर्च, गाजर, सोया चंक्स और पनीर लिया है। और तड़के के लिए 2 टमाटर, 2 प्याज और हरी मिर्च। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल को अच्छी तरह गर्म करके बारीक कटे हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हल्की आँच पर भूनेंगे जब तक यह गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब प्याज थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाए तो उसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर को धीमी आंच पर कम से कम 1 मिनट तक चलाएंगे। फिर उसमें मसाले डालेंगे, जैसे गरम मसाला, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और कम से कम 5 मिनट तक ढक के पकाएंगे। मसालों को बीच बीच में लगातार चलाते जाएं। अगर आपको लग रहा है कि मसाले नीचे लग रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही प्याज और टमाटर पक जाएं, इनको पूरी तरह से मैश नहीं करना है। अब इसमें पनीर डालें, पनीर को थोड़ा चलाएं। इसके बाद सोया चंक्स को हमने पहले गर्म पानी में उबाल कर अच्छी तरह से निचोड़ लें। फिर उसमें बाकी सब्जियाँ जैसे कैप्सिकम और गाजर डालें। सब्जियों को अच्छी तरह मिलाने के बाद उसको कवर कर दें, कम से कम 5 मिनट तक पकाएं। बीच बीच में ढक्कन हटाकर सब्जियों को मिलाते रहें, नहीं तो सब्जियां नीचे लग सकती हैं। आप देख सकते हैं कि सोयाबीन और पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो गई है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इस सब्जी को एक बार ज़रूर आप ट्राई करें, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।